the youngest coach in South Mumbai. His name is Afzal Sheikh and he is the national champion 2019. Okay. So, आपको हमारे बच्चे लोगों को भी मैसेज देना चाहेंगे आप क्या? और आप लोग इधर पे हो ये सबसे बड़ी बात है, तक आपके साथ है, आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग को सपोर्ट करें रेलवे से, ठीक है? हम लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं, मैं आज इधर पे बैठा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैन, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल द बेस्ट, आप करते हो, और अगर कुछ नहीं होता है ये साइड में लगाना चाहिए ना, हो गया बच्चे लोग का, हो गया पेरेंट्स को फोटो भेज जाएंगे आप देंगे ना। देखिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर तरह की एक्टिविटी स्कूल में और स्कूल के बाहर भी करने चाहिए, ध्वनि त्रेड़े और उनके सहकारी, ये जो काम बच्चे लोगों का विकास का इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये स्कूल के टाइम में होना चाहिए वो करने चाहिए। अभी पेरेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं हम लोग चाहते इस साल से भी हमारे स्कूल में ऐसे एक्टिविटी होनी चाहिए, और हमारे मैनेजमेंट ने ये साल ऐसा निर्णय लिया है कि सुबह 8 बजे से स्कूल चालू करना, दोपहर को 1:20 तक स्कूल होएगा, 1:30 बजे के बाद ऐसे एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर, ये गेम का एक्टिविटी का, इसमें एक स्केटिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें जूडो, कराटे, मलखाम, ड्राइंग, हैंडीक्राफ्ट, ये सभी चीज़ हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक फ्री में हमारे स्टूडेंट को कर रही है, क्योंकि जो हमारे जो मराठी स्कूल है उनका डाउनफॉल चालू हो गया। मैं आजू बाजू के सभी स्कूल मुंबई के देख चुका हूँ, तो भी मुझे ऐसा लगा कि DSS स्कूल में जैसे साइन में उन्होंने जो उपक्रम किए उसी तरह के उपक्रम हमारे मराठी मीडियम के स्कूल में करें, तो हमारे बच्चे भी आगे आ सके, जिनका जिस खेल में रुचि है वो खेल में वो खेले तो उनका विकास हो सकता है, उनका एक्टिविटी बढ़ सकता है, और देश के विकास के लिए भी कुछ काम आ सकता है। सर, वैसे देखा जाए तो धोनी दिनेश जी के बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, उनके बारे में क्या बताऊं? धोनी ऐसे एक कार्यकर्ता और निरपेक्ष कार्यकर्ता मिलना बहुत मुश्किल है। इनका बुक भी हासिल, हाँ, उनका रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड में जो जो टूर्नामेंट उन्होंने जिन्हें जिधर मौका मिला, मैं उनके प्रशंसा करने के लिए आगे आता हूँ। तो ऐसे जो स्पोर्ट्समैन है और उनके जो प्रशिक्षक है ऐसे मिलने चाहिए, बम्बई में ऐसे प्रशिक्षक मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे नसीब से किसी को ऐसे प्रशिक्षक मिलता है, और बच्चे लोगों को भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने का मौका, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एबिलिटी बच्चों के अंदर होनी चाहिए,
वो आप कैसे स्किल डेवलपमेंट करते हैं? देखो ये जो काम है प्रशिक्षक जो है उनका काम है, मैं तो सिर्फ मेरा ये हॉल जो उपलब्ध करके देना है उनके, जो फर्स्ट लेवल वन लेवल टू वैसे लेवल थ्री ऐसे कुछ स्टेप्स है उनके, आस्ते आस्ते करके ये लेवल ये उनका इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं, उसके फाइंड आउट करते हैं बच्चे लोग हर तरफ स्पोर्ट्स में, बच्चे लोगों को जब भी ये होते उनका सिलेक्ट करके जाते हैं। जैसे हम लोग संगीत का शिक्षा है तो संगीत में हम लोग जिसका आवाज़ कैसा है तो उसमें कोई क्लासिकल में उसको भेजता है, कोई अलग अलग भागवत में भेजता है, ऐसे वो ये उनके सिलेक्शन कर जाते हैं और उनको भेज देते हैं। सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो आजकल बच्चे लोगों को बहुत सारा स्टडी का कार्य है, लेकिन जब भी वेकेशन मिलता है तभी वेकेशन में ऐसे उन्हें संधि देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, और वीक में दो तीन बार कम से कम दो बार तो ऐसे स्केटिंग में तो आना चाहिए पेरेंट्स लोगों के, क्योंकि उसके जब भी ये होता है उनका हाइट बढ़ जाता है, बॉडी के उनके मसल्स फ्री हो जाते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत सारे काम आते हैं। ओके क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था? जब बच्चे हमारे क्लास में रोलर स्केटिंग सीखने आते हैं तो उनका बेसिक कोर्स हो जाता है, तो बच्चों को एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस ये लेवल वन एग्ज़ाम से हम लोग दिया जाता है, ताकि वो लोग आगे एडवांस ट्रेनिंग करके बड़ी बड़ी कंपटीशन में जाए, स्टेट नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल सिलेक्शन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारी टीम जाती है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाती है, लिम्का बुक रिकॉर्ड में हमारी टीम जाती है। मेरे बहुत सारे क्लास के बच्चे लोग अभी यहाँ भी मौजूद है, वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में जा चुके हैं, स्टेट नेशनल लेवल चैम्पियन है। यही हमारा मोटो है कि लेवल वन एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा एक अलग कॉन्फिडेंस से निकलता है क्लास। वैसे देखा जाए तो आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी नाम किया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आपने नाम किया है, तो अभी आगे का उद्देश्य क्या है, इन बच्चों को कहाँ तक अपना पहुँचाने का उद्देश्य क्या है? ये एग्ज़ाम में के बाद हम लोग अक्टूबर नवंबर में एक गिनीज बुक रिकॉर्ड करने का मेरा प्लान चालू है, तो इन लोगों को मैं गिनीज बुक रिकॉर्ड में लेके जाऊँगा। कितने बच्चे थे, उन्होंने परफॉर्म किया, जजेस कौन थे और किस तरह बच्चों ने परफॉर्मेंस आपको जजेस को कैसा लगा? आज लेवल वन में 39 पार्टिसिपेंट थे और ये जजेस जो है वो गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर नेशनल चैंपियन, ये लोगों को हम लोग चांस देते हैं कि जज के लिए उन लोगों को बुलाया जाता है, और बच्चे लोगों ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से और उनके सारे पेरेंट्स लोगों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारे देर वेट किए और हम लोगों को बहुत सारा अच्छा रिजल्ट दिया है ये बच्चे लोगों ने, कि 39 स्टूडेंट में से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। आज का बहुत महत्वपूर्ण ये वैशिष्ट्य है कि एक भी बच्चा फेल नहीं कर सके। स्केटिंग की बात करें तो तीन स्केटिंग कितनी तरह की होती है और हमारे यहाँ जो स्केटिंग प्रचलित है वो रोलर ही क्यों है? यहाँ स्केटिंग की अलग अलग कैटेगरीज होती है, एक तो रोलर स्केट्स होता है, एक इनलाइन स्केट्स होता है, जो इनलाइन स्केट्स है वो लाइन वाला स्केट्स होता है। अगर बच्चा कोई भी कंपटीशन खेलना चाहे तो अपने कैटेगरी में खेल सकता है, अगर इनलाइन में खेलना चाहे तो इनलाइन में भी खेल सकता है, रोलर स्केट में खेलना चाहे तो रोलर स्केट में भी खेल सकता है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, और वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड है कि उसको कौन सा स्केट अच्छा लगता है, वो डिपेंड करता है वो कौन से कॉम्पिटिशन में जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के अलावा बाकी और देशों में आइस स्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आइस स्केटिंग का ट्रैक क्या हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं या आप इसमें कोशिश करेंगे? मुंबई में तो मैंने अभी तक सुना नहीं है कि ये आइस स्केटिंग आएगा। हमारे इंडिया के जो मुंबई के काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो कश्मीर में जाते हैं आइस स्केटिंग वगैरह करने को, लेकिन साउथ मुंबई में और सबअर्बन मुंबई में मेरे ख्याल से कोई भी स्केटिंग रिंग का अभी तक प्लान हुआ नहीं है और शायद आगे के 10 साल नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसा बच्चों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल पे बिल्ड हो रहा है,
उनको वैसा ट्रेन किया जा रहा है, तो उनको एक डर नहीं है, बच्चों को कॉन्फिडेंस पे जा रहे हैं, उनका लेवल बढ़ रहा है, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग और बढ़े, आगे बढ़े, स्टेट जैसा रिलेशन ने बताया, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड, तो मैं चाहता हूँ कि ये और पुश होए, आगे जाए बच्चे, तो उनका बहुत अच्छा। सब लोग बहुत अच्छे कर रहे थे, मैंने देखा थोड़े थोड़े लोग थोड़ी गलती कर रहे थे, पर उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से कवरअप बाद में भी कर लिया, मतलब कोई फेल भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ा एवरेज आ रहा था, बाद में अच्छा कर रहे थे, फिर लेफ्ट टर्न में थोड़े थोड़े लोग थोड़े गलतियाँ कर रहे थे, फिर बाद में के टाइम पे वो लोग ने बहुत अच्छा कर लिया। सो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा नहीं, सब लोग अच्छे कर रहे थे और आगे भी करेंगे, अभी रेले सर सिखा रहे हैं इतने अच्छे से। हाँ अच्छा तो लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग कर रहे हैं। रेले सर के लिए तो सर इतना सर उन्होंने इतना सिखाया, इसलिए हम लोग भी इतने मेडल्स मिले हम लोग को, और इन लोग को भी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे लोग। यहाँ तक आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए, सबने पार्टिसिपेट किया, हमारे रेले सर ने यह ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर आए, पार्टिसिपेट करे और कुछ नई चीज़ें सीखे, और कोई बच्चा अगर फेल या मोस्टली नहीं हुआ, अगर एक हुआ तो भी वो रो रहा नहीं था, मतलब सब में स्पोर्ट्समैनशिप बिल्ड हो रही है, खुशी थी सभी को। हाँ किसी का मन यूँ संकोच वाला नहीं था, नहीं, और सब में ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप बिल्ड हो रही थी, अच्छा प्रोग्रेस होगा, गिनीज में भी जा रहे हैं, स्टेट में भी जा रहे हैं और इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं, ऐसा बच्चे आते रहेंगे तो ऐसा दूसरों को चांस मिलेगा जाने को, और ऐसा सब जीतेंगे। आपने पार्टिसिपेट किया था, कैसा लगा आपको और किस तरह ट्रेनिंग किया था आपने? मेरा नाम आर्यन है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहला न्यू थिंग्स सीखने का और अच्छी चीज़ें सीखने का, और लेवल टू के लिए जाने का, सब में पार्टिसिपेट करने का। सर ट्रेनिंग देते हैं वो कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा हुआ आज यहाँ काम आया आप लोग को इस तरह कि सर वो सिखाते हैं, वो अच्छे के लिए सिखाते हैं और हमारी स्पीड भी बढ़ती है, हमें मेडल्स भी मिलता है और आई थैंक्स रियली सर टू बी माय कोच। ओके ओके थैंक यू नेक्स्ट। मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ से नया नया चीज़ें सीखते हैं। मैं मेरे कोच को बोलना चाहता हूँ कि हमको आगे सपोर्ट करें। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम कबीर है। कैसा लग रहा है आपको ये स्केटिंग करें, आपने परफॉर्म करें, कैसा लगा? मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि बैकवर्ड करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या लगता है आप पास हुए कि फेल हुए? पास। चलो बोलिए, आपका नाम बताइए, चिल्ला के बोलो। मेरा नाम है। आपने आज परफॉर्म करे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके सर अभी हम खराब हो रहे हैं, यार क्या करेंगे? या साइलेंट प्लीज। कंपटीशन में एग्जामिनेशन में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको और उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा? Yes. मेरा नाम मानसी बेरी है, मेरा बच्चा यहाँ पे काफ़ी सालों से सर के पास ट्रेनिंग ले रहा है और सर इतनी अच्छी तरह से सिखाते हैं उनको, हर एक एंगल से लॉजिकली टेक्निकली इतना परफेक्ट बनाते हैं, तो हर जगह हम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं तो इतना मज़ा आता है, बच्चे इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं, टेक्निकली करेक्ट होते हैं, तो देखने को भी मज़ा आता है कि सर की मेहनत सफल हुई, बहुत बहुत खुशी हुई ये सब देख के, बहुत मज़ा आता है। मेरा नाम हितेश गोयल है। मेरा नाम हितेश गोयल है और मेरा बच्चा यहाँ पे 4-5 महीने से आ रहा है सर के पास। सर का जो टीचिंग का जो तरीका है काफ़ी अच्छा है, बच्चों में जो एनर्जी लेवल, जो उन लोगों के अंदर जो कुछ करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। सर जो हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं वो लोग काफ़ी अच्छे से वो लोग कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपके बच्चे आज पास होंगे फेल होंगे? डेफिनेटली सर ने सिखाया तो पास ही हो गए। मिस कंस्ट्रक्शन डॉटर चाइना शाह, और लास्ट 1 मंथ से ही डॉटर आ रही है और सर ने बोला कि जस्ट शील पास द एग्जाम एंड शी डिड इट एंड थैंक्स टू सर एंड द होल टीम ऑफ रेले स्केटिंग।
वेरी गुड, वन मोर टाइम, या लेफ्ट आर्म, 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 Good. Okay. Very good. 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 Okay. Very good. First step is clear. Okay. Very nice. Second thing only, sir. Second. Hamara. Hamara. Nahi del cedo na. Very good.
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके अगेन मूव बैक एंड टू पिक्चर वही लाइन में करना है आपको पीछे जाओ जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी जाओ Aryan Bey,
Excellent and
पानी का बोतल ठंडा ठंडा पानी ये है गर्म है ठंडा पानी बैग रख मोदी अच्छा भाई Excellent, 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 wow!
He can't stop. Very nice. Very good.